हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंसेप्ट सीरीज का पार्ट टू। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। इस पार्ट को देखने के पहले इसका जो पहला वाला पार्ट है उसको एक बार देख लीजिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पीरियोडिक टेबल में अभी टोटल नंबर ऑफ जो एटम है वो है 118 एंड टोटल नंबर ऑफ जो कंपाउंड है उसका अप्रॉक्स जो नंबर है वो है करीबन 10 M, दैट मीन्स 10 मिलियन। एंड ये 10 मिलियन में से ऑलमोस्ट आधा, दैट मीन्स 5 मिलियन, हाफ जो है वो है हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए इतना जो टोटल एटम है इसमें से 117 एटम मिलके हम लोगों का जो टोटल 5 मिलियन कंपाउंड है उसको फॉर्म कर रहा है। एंड बाकी जो एक एटम है, दैट मीन्स जो कार्बन एक सिंगल एटम, वो खुद 5 मिलियन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? कार्बन में ऐसा स्पेशल है क्या कि जो कार्बन 5 मिलियन कंपाउंड अकेला बना रहा है एंड बाकी जितना भी सारा एटम है 117 इतना एटम मिल के 5 मिलियन बना रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे कार्बन का मेन दो प्रॉपर्टी है वो रिस्पॉन्सिबल। नंबर वन प्रॉपर्टी जो है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड नंबर टू जो है वो है टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। इसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक बार कैटिनेशन प्रॉपर्टी को लेकर बोल देते हैं। देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कार्बन एटम, एक कार्बन एटम बहुत सारा सिमिलर टाइप ऑफ कार्बन एटम के साथ एक बहुत ही लंबा, बहुत ही लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी ये सल्फर में भी देखा जाता है लेकिन ये कार्बन में और भी अच्छी तरह से देखा जाता है। एंड कार्बन का जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। ये जो टेट्रा कोवेलेंसी, इसका मतलब क्या है? देखिए इसके अंदर तीन टर्म है। इसमें आइए देखिए, नंबर वन जो है वो है टेट्रा, टेट्रा मीन्स फोर। नंबर टू जो है वो है वैलेंसी, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये देखिए नीचे में है। एंड नंबर थ्री जो है वो है कोवेलेंट। तो टेट्रा क्या है? टेट्रा मीन्स फोर एंड वैलेंसी क्या है? वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स यहीं से हम लोगों को ये मालूम हो गया कि कार्बन का जो वैलेंसी है वो है फोर। वैलेंसी के अगर डेफिनेशन में आएंगे तो हम लोग देखेंगे वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी स्पेशली एज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इट कैन डिस्प्लेस और कंबाइन विथ। इसका मतलब कोई भी एक एटम जितना हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, कंबाइन हो सकता है या जितना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है वो है उसका वैलेंसी। कार्बन का केस में आएंगे तो देखेंगे कार्बन मैक्सिमम फोर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है। सो कार्बन का जो वैलेंसी है वो है फोर। ये जो वैलेंसी है या जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, दैट मीन्स कंबाइन करके क्या होता है? एक बॉन्ड फॉर्म होता है। सोचिए मेरे पास दो एटम है, एक एटम ही वन इज ए एंड वन इज बी। ये दो जब कंबाइन करेगा तब मेरा ऐसा एक कंपाउंड फॉर्म होगा, ए बॉन्ड बी, दैट मीन्स ये बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये बेसिकली टू टाइप्स, नंबर वन जो टाइप है वो है कोवेलेंट एंड नंबर टू जो है दिस इज आयोनिक। देखिए ये दो छोड़ के और भी बहुत किस्म का बॉन्ड हो सकता है। ये हो सकता है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डेल्टा बॉन्ड हो सकता है, म्यू बॉन्ड हो सकता है, लेकिन वो सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मेन जो दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो है नंबर वन इज कोवेलेंट, दैट मीन्स दिस, एंड नंबर टू इज आयोनिक। तो कोवेलेंट क्या है? देखिए कोवेलेंट को समझने के लिए हम लोग पहले एक बार आयोनिक को देख लेते हैं। आयोनिक में क्या होता है? जब कोई एक एटम उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को और दूसरा कोई जो एटम है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब शिफ्ट कर देता है एंड दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड फॉर्म होता है तब हम उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एंड आयोनिक बॉन्ड में जो मेन क्राइटेरिया है वो है एक एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मतलब दो जो एटम रहेगा दोनों का बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए जब NaCl, दैट मीन्स स्टेबल सॉल्ट, जो NaCl फॉर्म होता है वो कैसे होता है? एक Na सोडियम एटम, सोडियम का अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो है 11, एटॉमिक नंबर जो है 11। एंड ये देखा जाता है कि अगर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको लिखेंगे तो ये होता है 2, 8 and 1, दैट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एंड Cl का लेंगे Cl, तो Cl का होता है आपका 17, 17 मीन्स होता है 2
एट एंड सेवन, दैट मीन्स सीएल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होता है वो है सेवन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, एक जो एने ये उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन ये सीएल को दे देता है, एंड ये देने की वजह से क्या होता है, एने का देखिए अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गया 2 + 8, दैट मीन्स ओनली 10, एंड आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये जो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो गेन कर लिया। यहाँ पर सोडियम नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लिया, एंड सीएल का क्या था, 7 इलेक्ट्रॉन था, एंड 7 में से क्या हुआ और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, दैट मीन्स 8। ये भी जो नोबेल गैस का आउटर जो सॉरी जो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो गेन कर लिया, एंड सीएल जो है वो आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लिया, एंड इसके वजह से क्या होगा, एनए एंड सीएल के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। लेकिन इसमें देखिए आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए दो जो एटम है इसका बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हम लोग जानते हैं सीएल सीएल इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड एनए जो है वो है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। सो फॉर दिस रीजन एनए एंड सीएल के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर कार्बन के केस में आएंगे तो देखेंगे कार्बन इज नाइदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नॉर इलेक्ट्रो नेगेटिव, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी नहीं है, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी नहीं है, मतलब उतना हाई उतना हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है एंड उतना हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है। सो फॉर दिस रीजन कार्बन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता, गेन भी नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एंड शेयर करने की वजह से क्या होता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सोचिए मेरे पास दो एटम है ए एंड बी, ये दोनों अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या होगा, ए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा एंड बी भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको ए एंड बी दोनों ही यूज करेगा, ऐसे करके हम लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कार्बन ऐसा करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आएंगे तो देखेंगे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो वो है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये जो है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, दैट मीन्स ये जो है दिस इज 2s एंड ये जो है दिस इज 2p। तो देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब क्या होता है, ये जो 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एनर्जी अब्जॉर्ब करने के वजह से क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन पी में शिफ्ट हो जाता है, यह है 2p, ये पी में शिफ्ट हो जाता है, एंड ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, एंड ये क्या होता है, एक एस एंड 3p, यह है p1, यह है py एंड यह है pz। ये 3p ऑर्बिटल एंड एक एस ऑर्बिटल मिलके sp3 ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये फॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन का 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस केस में कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यहाँ पर भी सेम केस होता है, कार्बन ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है एंड यहाँ पर भी और एक हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यहाँ पर भी सेम केस होता है एंड यहाँ पर भी सेम केस होता है। देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये जो है ये कार्बन का जो स्ट्रक्चर है सेफ है, एंड ये जो 4 हाइड्रोजन है देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 हाइड्रोजन ये चारों जगह पे बैठ जाता है एंड एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के वजह से CH4 ये जो कंपाउंड है मीथेन ये फॉर्म होता है। तो देखिए ये डायग्राम में आई है और भी क्लियर हो जाएगा, ये है कार्बन का एंड ये हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4, 4 हाइड्रोजन मिलके ये जो स्ट्रक्चर है इसको फॉर्म कर रहा है sp3, एंड ये जो स्ट्रक्चर ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। यहाँ से हम लोगों को ये मालूम हो रहा है जो कार्बन का जो वैलेंसी है वो है 4, क्योंकि हम लोग पहले ही जो डेफिनेशन में देखे हैं वैलेंसी का वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी स्पेशली एज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इट कैन डिस्प्लेस और कंबाइन हुई। देखिए इस टर्म को गौर से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। सो यहाँ पर कार्बन का जो वैलेंसी है वो है 4, एंड जो मोड ऑफ वैलेंसी या मोड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन वो है कोवैलेंट। सो वी कैन से दैट कार्बन इज ए टेट्रा कोवैलेंट एटम। सो दिस इज ऑल अबाउट टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना एकदम मत भूलिए। तो फिर चलिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।
बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स पार्ट थ्री। वो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर वन पार्ट में हम लोग ये डिस्कशन कर लिए, नंबर टू में हम लोग ये डिस्कशन कर लिए, दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू में डिस्कशन हो गया, एंड ये जो है इसको हम पार्ट थ्री, इसका जो आने वाला पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।